आते हैं बिहार की राजवस्त्र व्यवस्था एवं प्रशासन, इस टॉपिक्स को भी हाईलाइट करके रखा है, तो इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। बिहार जैसा पता है कि बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ, जिसमें उड़ीसा भी था। आगे चल कर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एवं 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है, ठीक है। संयुक्त झारखंड जो है बिहार का लगभग 42.35% भाग लेकर अलग हुआ। राज्य प्रशासन को 3 वर्गों में बांटा गया, राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका। विधायिका या विधानमंडल के 2 सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन, निम्न सदन विधानसभा, उच्च सदन विधान परिषद। राज्य में जो विधायिका का जो है वो विधान परिषद का गठन 7 फरवरी 1921 को ही हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। वर्तमान में पृथक विधान परिषद है, जिसमें सदस्यों की संख्या 75 है, जिसके संबंध में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि 1/3 भाग विधानसभा का सदस्यों द्वारा, 1/3 पंजीकृत संस्थाओं द्वारा, 1/12 पंजीकृत स्नातकों द्वारा, 1/12 शिक्षक प्रतिनिधि द्वारा, 1/6 राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद में सदस्यों की आयु 30 वर्ष होती है, जो 30 वर्ष अगर धारित करते हैं तभी वो पात्र हो सकते हैं विधान परिषद बनने के लिए। अब है कि इसका जो है अस्थायी सदन है, तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है वो हटते हैं, नए सदस्य आते हैं। विधानसभा पे आया जाए तो निम्न सदन कहा जाता है, इसके सदस्यों की संख्या 243 है। एक सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, उसका मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है ना। बाकी जो है बाकी जगहों पे चुनाव होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में आया जाए तो पंचायती राज व्यवस्था का जो बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत बिहार में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, जिसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरीय परिषद है। इस संबंध में हम लोग देख चुके थे। अब बिहार शिक्षा स्वास्थ्य एवं खेलकूद पे आया जाए, सरकार द्वारा समय समय पर राज्य के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा साक्षरता दर में वृद्धि के प्रयास किए जाने लगे। और इसके अलावा खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ तत्वत के पुरस्कार भी सरकार द्वारा घोषित किए गए। बिहार में एजुकेशन सिस्टम को समझा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में साक्षरता दर में बढ़ोतरी हेतु समय समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। वयस्क शिक्षा कार्यक्रम 1979 तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 को क्रियान्वित किया गया है। बिहार में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में अग्रणी रहा है, इसकी स्थापना प्राचीन काल में ही हुई, बिहार में ही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना 1991 में की गई थी, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यूनिसेफ का योगदान क्रमशः 1:2:3 में रहा, यानी उस स्थापना में 3 हिस्सा यूनिसेफ दिया, 2 हिस्सा केंद्र सरकार, 1 हिस्सा राज्य सरकार। इसका उद्देश्य राज्य में औपचारिक शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाना, औपचारिक मतलब जो सिस्टमेटिक एजुकेशन होता है, तथा उसका संरक्षण एवं संवर्धन करना है। वर्तमान में शिक्षा पर खर्च तो केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60:40 है, यानी 60 हिस्सा अगर केंद्र सरकार खर्च करेगा तो 40 हिस्सा राज्य सरकार खर्च करेगा, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। बिहार में शिक्षा के विस्तार हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो संकल्प योजना, इस योजना के तहत शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे जो विद्यालय जाने में असमर्थ रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधा जैसे 1 से 8 वर्ष तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। मुस्लिम बच्चों को खासकर जो विद्यालय से अज्ञात हो, उन्हें शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए तालीमी मरकज अभियान, जबकि उत्थान केंद्र की शुरुआत महादलित बच्चों को शिक्षित बनाने हेतु की गई, ठीक है। संकल्प योजना हुआ सबके लिए 1 से 8 तक निःशुल्क पाठ्यक्रम देना, 6 से 14 तक के सभी बच्चों को विद्यालय में जोड़ना, तालीमी मरकज मुस्लिम बच्चों को जोड़ने के लिए और महादलित बच्चों को जोड़ने के लिए उत्थान केंद्र। प्रखंड स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए मीना मंच का कार्यक्रम चलाया जाएगा, ये एक्चुअली यूनिसेफ का है मीना मंच। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए हुनर कार्यक्रम, औजार योजना तथा ज्ञान ज्योति कार्यक्रम का संचालित किया जाएगा। अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए हुनर कार्यक्रम, औजार योजना
तथा ज्ञान ज्योति कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पोशाक योजना जहां 6 से 8 वर्ष तक के बालिकाओं हेतु अनिवार्य है, वहीं 9वां वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना चलाई जा रही है। पोशाक योजना भी प्रभावी तक कर दी गई। विश्वविद्यालय की बात की जाए तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। उसके बाद हम बिहार विश्वविद्यालय 1952, तिलका मांझी भागलपुर 1960, कामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 1961, मगध विश्वविद्यालय 1962। बिहार पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन के दृष्टिकोण से बोधगया, राजगीर के मंदिर इमारत जो पटना के ऐतिहासिक स्थल तथा पटना साहिब के पावन तीर्थ स्थल हैं। अब है पर्यटन को मनोरंजन का साधन माना जाता है और पर्यटन का आरंभिक प्रयोग 17वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। बिहार की धरती पर्यटन की दृष्टि से प्रबल प्रतिभा की धनी रही है, क्योंकि बिहार में अनेक ऐतिहासिक स्मारक विद्यमान हैं जिनका पर्यटन के दृष्टि से अतुलनीय महत्व है। कौन कौन? तो सबसे पहले बोधगया, ये पता है, ये उरुविला के नाम से भी जाना जाता है। उरुविला जो फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यूनेस्को द्वारा बोधगया अवस्थित महाबोधि मंदिर को जुलाई 2002 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। कब? जुलाई 2002 में। किसने घोषित करवाया? यूनेस्को ने। वैशाली जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जन्मस्थली है। वैशाली में ही बौद्ध धर्म का द्वितीय सम्मेलन कालाशोक के नेतृत्व में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली में ही लिच्छवियों ने विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया था। यह विश्व वैशाली इसलिए प्रमुख है। पटना की बात की जाए तो पाटलिपुत्र के रूप में स्थापना का श्रेय हव्यक वंश के शासक उदयन को जाता है, जबकि आधुनिक पटना का नामकरण 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा किया गया। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के नेतृत्व में संपन्न हुई। गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जो सिखों के 10वें गुरु थे, पटना में सन 1664 में हुआ। अनाजों के कुलस्तम भंडारण हेतु पटना गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गर्स्टन द्वारा 1786 में किया गया था। ध्यान रखना होगा नाम, कैप्टन जॉन गर्स्टन। सदाकत आश्रम पटना में पश्चिमी इलाकों में स्थित है। हनुमान मंदिर पटना जंक्शन के बगल में अवस्थित है। राष्ट्रीय संस्थान के रूप में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1891 ईस्वी में की गई, जो भी अशोक राजपथ में है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा एवं ज्ञान केंद्र है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है, किसके द्वारा? कुमार गुप्त। काफी बार बीपीएससी में पूछे हुआ, जहाँ पर चीनी यात्री वेंग सांग ने 12 वर्षों तक बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। अब हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक शोध कार्य हेतु नव नालंदा महाविद्यालय की स्थापना की गई है, जहाँ रिसर्च होता है। विक्रमशिला जो भागलपुर में है, यह पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी, जहाँ पर विदेशी पर्यटक और शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण हेतु आते रहे हैं। राजगीर का नाम दिव्यज था। सबसे बड़े साम्राज्य मगध की राजधानी थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के रूप में यही हुई थी। राजगीर में पर्यटन की दृष्टि से विश्व शांति स्तूप भी सराहनीय है। वहाँ आज भी विरासत के तौर पर गर्म जल के झरने मिलते हैं। अब बिहार की कला एवं संस्कृति को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।